नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ हेमकंड पाल। आज बात कर रहे हैं विकास की तरफ और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की ललक के साथ अपनी बुलंद आवाज से जनता के हितों के लिए लड़ते रहने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा पूर्व विधायक स्वर्गीय विप्रम त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री त्रिपाठी ने नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, वन आंदोलन के अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही क्षेत्र के विकास में उनका जो भूमिका रही उसके लिए द्वारहाट क्षेत्र में वह सदा याद किए जाते रहेंगे। द्वारहाट में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर 1982 में उन्होंने 9 दिन तक आम अनशन किया। द्वारहाट का महाविद्यालय उनकी संघर्ष का ही परिणाम है। द्वारहाट में कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भी उन्होंने लंबा संघर्ष किया। इसके अलावा द्वारहाट में पॉलिटेक्निक की स्थापना में भी उनकी खासी भूमिका रही। 1989 में ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद वो क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए और अधिक सक्रिय हो गए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं के लिए कमर कसी और उसमें काफी हद तक सफल रहे। अपने आदर्शों के पक्के श्री त्रिपाठी ने 1994 में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ब्लॉक प्रमुख पद से इस्तीफा दिया और फिर अपनी घोषणा के मुताबिक इस पद पर नहीं लौटे। फरवरी 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी छवि को देखते हुए जनता ने उन्हें व्यापक समर्थन दिया। कम संसाधनों के बावजूद वह विजयी रहे। सदन और सदन के बाहर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वह सबसे अधिक बहस करने वाले एकमात्र विधायक थे। उत्तराखंड स्तर पर वह राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने, विकल्पधारियों को कार्यमुक्त करने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर तो सक्रिय थे ही, साथ ही द्वारहाट विधानसभा क्षेत्र को पानी, बिजली, सड़क जैसी ज्वलंत समस्याओं को लेकर वह दिन रात चिंतित रहते थे। विधायक बनने के बाद वह क्षेत्र में कई गांवों में नई सड़कें स्वीकृत कराई, कई विद्यालयों का उच्चीकरण और भवन निर्माण के कार्य किए। आज की राजनीतिक छींटाकसी, पक्षपाती रवैया से दूर श्री त्रिपाठी को का अलग ही मिजाज था। वह किसी काम को करने की ठानते थे तो उसे पूरा करके रहते थे। उन्होंने उत्तराखंड को स्वर्ग बनाने और जन जन के कल्याण का सपना देखा था और समाज के दबे कुचले और जरूरतमंद लोगों को की उन्हें। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।